हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज मैं क्लीनिंग करूंगी 2 kg से अबव बिग ब्लैक अनशेप्ड शेल स्टोन की। इसे 30 मिनट से अबव हो चुका है भीगे हुए और अब मैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। कितना थिक है, इसकी लेयर्स भी निकलेंगी। ये लेयर्स निकलेंगी इसकी। इसकी लेयर निकल गई है, बहुत सॉफ्ट है। ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। बिल्कुल क्लीन है। जो उस लेयर का ग्रीटी पार्ट था वो इधर लगा हुआ रह गया।
तो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बहुत अच्छा है। एक लेयर कंप्लीट क्लीन हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। Surface. ये ग्रीटी नहीं है, मैंने टेस्ट करके देखा है। एक लेयर दो लेयर हो गई इसकी ओर,
ये मैंने टेस्ट करके देखा था, ये बिल्कुल भी ग्रिटी नहीं है, क्रंची है। बहुत सॉफ्ट हो गया। ये सेकेंड लेयर भी इसी क्लीन हो गई है। ग्रिटी है, ये ऊपर से सॉफ्ट है, सही है, लेकिन ये इतनी पतली लेयर है कि पूरी निकल नहीं सकती, और नीचे वाला पोर्शन ग्रिटी है, इसलिए मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मेरे वाइटी मेंबर्स कहते हैं कि आप बहुत वेस्ट कर रहे हैं। Thank you.
इलायची ले रहे हैं। ये कितना प्लेन हो गया, स्मूथ एकदम।
ग्रीटी पोर्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए इसकी थर्ड लेयर भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। आपको मेरा ये क्लीनिंग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगर मेरी क्लीनिंग वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। फ्रेंड्स ये मेरी एक YT मेंबर ने मुझे बोला था कि जो लास्ट का इसकी स्क्रैपिंग मटेरियल बचता है, वेस्टेज जो होती है, उसको आप फेंका ना करें और हमें दिखाया करें कि इसमें कितना बचा है। तो देखिए ये पानी मैंने इसका निकाल दिया है कंटेनर का और ये इसके अंदर से वेस्टेज निकला है।